आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीरा शरबत की रेसिपी लाई हूँ। ये जीरा शरबत घर में रखे सामान से बन जाता है, बहुत ही हेल्दी है। इसमें जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की है हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, खाने को पचाने में सहायक है और हमारा वजन भी कम करती है। तो आप एक बार इस तरह से जीरा शरबत बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इस तरह से आप जीरा शरबत का प्रीमिक्स भी बना के स्टोर करके रख सकते हैं और आप इसे अपने साथ सफ़र में भी लेके जा सकते हैं। जब आपका मन करे तब आप इसे सोडा वाटर में या फिर कोल्ड वाटर में इसे मिक्स करके पी सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी शरबत है। और आपसे निवेदन है कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम इस जीरा शरबत प्रीमिक्स को बनाना शुरू करते हैं। तो जीरा शरबत बनाने के लिए मैंने ये एक छोटा चम्मच लिया है। इस छोटे चम्मच से हम सारी चीज़ें माप के लेंगे। इसी चम्मच से मैं 4 चम्मच जीरा ले रही हूँ। जीरे की तासीर ठंडी होती है, गर्मियों में जीरा खाना बहुत अच्छा होता है और इससे हम बनाएंगे शरबत, शरीर को ठंडा रखेगा। उसी चम्मच से मैं 1 चम्मच सौंफ ले रही हूँ, ये बारीक वाली है, आप बारीक मोटी कोई सी भी ले सकते हैं। सौंफ की तासीर भी ठंडी होती है, ये खाने को पचाने में मदद करती है। और ये ले रही हूँ मैं 1/2 चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च की तासीर गर्म होती है पर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए 1/2 चम्मच काली मिर्च का यूज़ किया है। अब हम सारी चीज़ें भून लेंगे। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, बहुत ज़्यादा कलर इसका चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जीरा बहुत जल्दी जल जाता है और जब जीरा जल जाएगा तो उसका टेस्ट कड़वा आएगा, इससे शरबत अच्छा नहीं लगेगा। तो बस इसे हमें 1 से 2 मिनट ही भूनना है, सारी चीज़ें जल्दी से भून जाती हैं। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं, इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी है जीरे की, सौंफ की। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल के पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं। जीरा, सौंफ और काली मिर्च जिसे भून के रखा था उसे मैंने एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लिया है। इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तब हम इसे मिक्सर के जार में डालेंगे। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच चाट मसाला, जीरे शरबत को चटपटा फ्लेवर देने के लिए, और 1/2 चम्मच सेंधा नमक। मैं इसमें शक्कर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मिश्री का यूज़ कर रही हूँ। मैंने इस शरबत को बनाने के लिए शक्कर का यूज़ नहीं किया है, मिश्री का किया है। मिश्री को भी इसी में डाल देंगे। आप मिश्री की जगह शक्कर ले सकते हैं या फिर गड़े वाली शक्कर आती है उसे भी तोड़ के आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे ये देखिए मैंने इसे बारीक पीस लिया है। इस तरह से हमारा ये जीरा शरबत प्रीमिक्स बनके तैयार हो गया है, ये देखिए। अब इस तरह की एक छन्नी लेके इसमें डाल के हम इसे छान लेंगे। अगर आप इसे छानना नहीं चाहते हैं तो बिना छाने भी यूज कर सकते हैं। इसे हम बारीक छान लेंगे। छान लिया है, छानने के बाद इस तरह से मोटे मोटे टुकड़े बच गए हैं। आप इसे फेंके नहीं, कोई भी मसाले वाली सब्जी बनाएंगे तो आप उसमें इसे डाल के यूज़ कर सकते हैं। जीरा शरबत का प्रीमिक्स बन के तैयार हो गया है। इस तरह से आप इस प्रीमिक्स को 1 से 2 महीने स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इस तरह से आप फटाफट जीरा शरबत बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक बार इस जीरा प्रीमिक्स को बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हमारा प्रीमिक्स बन के तैयार है, अब हम इससे बना लेते हैं शरबत। के लिए मैंने ये 1 ग्लास लिया है, ये मैंने बड़ा ग्लास लिया है इसलिए मैं इस चम्मच से
जिससे हमने सारी चीजें मापी थी, उसी चम्मच से मैं 2 चम्मच इसमें शरबत, जीरा शरबत का प्रीमिक्स डाल रही हूँ। अगर आपके पास छोटा वाला ग्लास है तो आप सिर्फ 1 चम्मच का यूज करें। और अब डालेंगे पुदीने की, मिंट की थोड़ी सी पत्तियां, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा शरबत को। और अब डालेंगे इसमें ठंडा पानी। सभी लोग सोडा वाटर से शरबत नहीं बना सकते हैं, तो आप इस तरह से ठंडे पानी का यूज करके भी इसे बना सकते हैं। अगर आप सोडा वाटर से बनाना चाहते हैं तो उससे भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और अब डालेंगे इसमें आधा नींबू का जूस और अब ये सब्जा। सब्जा के बीज को भी मैंने भिगो के रखा था। सब्जा खाना बहुत ही अच्छा है, गर्मी में हमारे शरीर को ठंडावा देता है। इसे आप किसी भी ड्रिंक में यूज कर सकते हैं और सब्जा के बीज बहुत ही टेस्टी लगते हैं किसी भी ड्रिंक में। आप एक बार इस तरह से जीरा शरबत बना के ट्राई जरूर कीजिएगा। अब इसे हम कर लेते हैं मिक्स। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा जीरा शरबत बनके तैयार है। समर ड्रिंक है, आप इस तरह से बना के एंजॉय कीजिए। और रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये ड्रिंक आपको कैसा लगा। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में।